हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सीरीज का सेकंड पार्ट। इसके पहले पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लिन नाम का लड़का एक वर्चुअल गेम के अंदर जाता है, जहां उसके जैसे और भी कई प्लेयर्स हैं। यहीं उसे व्हाइट पोनी नाम का एक फ्रॉग मिलता है, जो उसे इस गेम खेलने का तरीका सिखाता है और बताता है कि सरवाइव करने के लिए तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा। तभी एक दूसरा कैरेक्टर लिन पर अटैक करने आता है और पोनी कहता है कि अगर बचना चाहते हो तो जल्दी से मेरे जैसे गाना गाने लग जाओ। लिन ये सुनकर उस आदमी से रुकने को कहता है और उन ड्राइव्स को उठाकर पोनी के जैसे ही गाना गाने लगता है। वो आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये पागल क्या कर रहा है। तब लिन उन ड्राइव्स को आपस में मिला देता है और उससे निकली एनर्जी और एक्सपीरियंस उसके लेवल को बढ़ा देती है, जिससे उसे मार्शल आर्ट की नई टेक्निक्स मिल जाती हैं। पोनी उसे बताता है कि अब तुम एक लेवल 2 के प्लेयर हो और इससे तुम्हें मिलेगी थंडर अटैक की पावर। वो उसे इसी तरह अपने लेवल्स को बढ़ाने को बोलता है ताकि जल्दी ही वो टॉप रैंक्स में आ जाए। उधर उस आदमी के साथी उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम इस नए प्लेयर की बातों को कहाँ सुन रहे हो और हमें तो लगता है कि तुम्हें शायद इससे डर लग रहा है। उस आदमी को भी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो लिन को एक जबरदस्त पंच देने की सोचता है, लेकिन इस बार लिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था और वो उस पर अपनी थंडर फिस्ट से अटैक करता है। वो आदमी भी ये देखकर चौंक जाता है और लिन की पावर उसे उठाकर दूर पटक देती है। लिन अपनी इस नई शक्ति को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और तब पोनी उसे कहता है कि देखा मैंने तुम्हें कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया है और अगर तुम ऐसे ही कॉइन्स खर्चोगे तो जल्दी ही तुम सबसे पावरफुल फाइटर बन जाओगे। उस आदमी के साथियों को भी ये देखकर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो बेहोश पड़े अपने साथी को वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लिन रिलैक्स होकर वहीं बैठ जाता है और तभी वो गेम उसे एक बार फिर कमांड सेंटर में ले जाती है। पोनी उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी ताकत पर और खर्चा करना चाहते हो, लेकिन लिन तो कुछ और ही सोच कर आया था और कहता है कि मैंने अभी अभी अपनी पहली फाइट जीती है और इसीलिए तुम्हें मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए। पोनी भी उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास ये अमेजिंग वेपन है। ये कहकर वो उसे एक ब्लैक तलवार देता है, लेकिन लिन को लगता है कि ये तो एक आम तलवार है और वो पोनी से उसकी रेटिंग के बारे में पूछता है। पोनी बताता है कि ये एक लेवल 1 की तलवार है, जिसे सुनकर लिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि ये भला मेरे किस काम आएगी। तब पोनी उसे कहता है कि फ्री में तो ऐसे ही वेपन्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता और इसके साथ तुम्हें एक और गिफ्ट देता हूँ। फिर वो उसका स्टैट कार्ड निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मास्टर स्किल्स को भी अपडेट कर दिया है, जिससे तुम्हारा थंडर अटैक और पावरफुल हो जाएगा। लिन भी ये देखकर सेटिस्फाई हो जाता है और तब पोनी उसे अपने एक और ऑफर के बारे में बताता है। वो कहता है कि गेम में एक VIP मेंबरशिप भी है, जिसका प्राइस वैसे तो 400 पॉइंट्स है, लेकिन मेरे ऑफर से वो तुम्हें 200 पॉइंट्स में मिल जाएगी और पूछता है कि क्या तुम इसे लेना चाहोगे। लिन को भी ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और वो उससे इसके बेनिफिट्स के बारे में पूछता है। तब पोनी बताता है कि नॉर्मली हमारे यहाँ 4 तरह के मेंबर होते हैं, ऑर्डिनरी, प्लैटिनम, सुपर और सुप्रीम, और जिसकी कैटेगरी जितनी हाई होती है उसे उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और वो बाकी प्लेयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन लिन उसे कहता है कि मेरे पास तो अब कोई कॉइन नहीं बचे और मुझे कोई ऐसा ऑफर बताओ जिसमें बिना खर्चा किए भी मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। इस पर पोनी कहता है कि तब तो बस एक ही रास्ता है कि गेम बंद करो और अपने घर जाकर आराम से सो जाओ, क्योंकि सपने में तुम्हें हर चीज फ्री में मिल जाएगी, और ये कहकर वो उसे वापस भेज देता है। उधर लिन पोनी के बताए ऑफर के बारे में सोचता है और उसे लगता है कि मेंबरशिप लेने में तो बहुत फायदा है, लेकिन वो भला इतने कॉइन्स कहाँ से लेकर आएगा। तभी सामने बने मेंशन को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो छुपकर वहाँ चोरी करने जाता है। वो देखता है कि वहाँ आसपास कोई नहीं है और मेंशन का दरवाजा भी खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पैर रखता है वहाँ उसे उसी आदमी की बॉडी नजर आती है जिससे वो थोड़ी देर पहले लड़ रहा था, और वो उसे देखकर डर जाता है। तभी पहले वाले वो दोनों आदमी वहाँ आते हैं, जिनके साथ बैन नाम का एक और योद्धा भी है और वो देखने में किसी रॉयल फैमिली का लग रहा है। बैन लिन से कहता है कि मेरे आदमी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है और ये आदमी तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन बैन उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इसका बदला मुझे तुम्हें मार कर लेना होगा।
फिर वो अपनी तलवार से लिन पर अटैक कर देता है और लिन उसे फिर समझाता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। तभी अचानक से पोनी वहाँ आता है और कहता है कि ये आदमी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि बेन को इसी ने मारा है और अब ये तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा ताकि तुम आगे जाकर इसे कम्पीट ना कर सको। लिन ये सुनकर चौंक जाता है और देखता है कि पोनी भी वहाँ से गायब हो गया है। उसे बेन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। तब बेन कहता है कि तुम्हें अपने लिए कोई ढंग का वेपन लाना चाहिए था, लेकिन लिन अपने अटैक से उसे पीछे धकेल देता है। बेन को भी लिन से ऐसे अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरी तलवार तुमसे ऊंचे लेवल की है। इस पर लिन कहता है कि तलवार के साथ साथ उसे चलाने का भी दम होना चाहिए और ये सुनकर बेन गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। फिर हम उन दोनों के बीच फाइट होते हुए देखते हैं और बेन के साथी भी उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन लिन उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। बेन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन देखता है कि उसकी छोटी सी तलवार में बहुत ताकत है। एक के बाद एक उसके सारे वार बेकार होने लगते हैं और फिर वो लिन की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करता है और कहता है कि तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह एकदम बेकार हो। लिन ये सुनकर गुस्से में उसे बहुत मारता है और उस पर अपनी थंडर पावर का यूज करता है, लेकिन तभी एक ब्लैक फाइटर वहाँ आकर उसके अटैक को रिवर्स कर देता है और इससे लिन उछलकर दूर जा गिरता है। बेन उस फाइटर से कहता है कि इसने हमारे एक साथी को मारा है और अब ये मुझे भी मारना चाहता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स और सिटी का हाउस मास्टर आता है और पता चलता है कि बेन असल में उन्हीं का बेटा है। इधर पोनी लिन को बताता है कि ब्लैक फाइटर तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वहाँ से बचकर भागने लगता है। वो पोनी से बाहर का रास्ता पूछता है, लेकिन वो ये कहकर गायब हो जाता है कि इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उधर कुछ गार्ड्स लिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे निपटता हुआ आखिरकार उस सिटी से बाहर निकल जाता है। इधर हाउस मास्टर अपने गार्ड से कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर लिन को पकड़ कर लाना होगा, और साथ ही उसे अपने बेटे बेन पर भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेन तो ऐसे शो करता है जैसे कि वो बहुत लाचार है। आगे हम लिन को देखते हैं जो सिटी से निकलकर एक जंगल में आ पहुंचा है और वहां उसे बेहोश पड़ी एक लड़की नजर आती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि आखिर हीरो को उसकी हीरोइन मिल ही गई। फिर हम उसे एक जगह कैंप लगाते हुए देखते हैं और तभी उस लड़की को होश आ जाता है जो इस गेम की एक और कैरेक्टर मोबाई है। वो लिन को देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए हो। तब लिन उसे अपनी पकड़ी हुई एक फिश दिखाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए डिनर बना रहा था। वो लड़की थोड़ा इतराने के बाद उस फिश को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।